अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इट्स मी मरियम। तो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। ये ना हो गया आपसे वो सारी सीन्स मिस हो जाए, तो इसीलिए मेरे साथ बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। आज था सैटरडे और हम लोगों को छुट्टी थी। छुट्टी के दिन हमारा अगर बिना हुआ ऐसे कैसे हो सकता, हाउ इट्स पॉसिबल। तो उसके लिए मेरा आज प्लान था क्यों ना आज अबायरीना जाया जाए। चार नंबर बस पर बैठी और अबायरीना पहुँच गई। वहाँ पर जाके देखा कि बैड लक फॉर मी, अनफॉर्चुनेटली वो आज बंद था। खैर बंद था तो मैं क्या करूँ, मैं गई थी तो मैंने कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड करना ही था। खैर मैं गई और मैंने पहले देखा कि वाह ये तो बहुत प्यारी जगह है। बेशक ये बंद था लेकिन फिर भी देखने में बहुत खूबसूरत था। ये हमारे एरिया से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, यानी कि जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, लेकिन ये साइड काफ़ी हद तक डेवलप्ड है और बहुत ही खूबसूरत है। नीट एंड क्लीन, लाइक वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो आगे जाके देखा कि ये लो यहाँ पे भी गंद पड़ा हुआ है, पता नहीं कौन है। यहाँ पे ये गर्ल्स जिम का आ रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने फिर दूर से रिकॉर्ड किया और चल पड़ी आगे। आगे जाती गई जैसे जैसे ही आगे गई मुझे उतना ही अच्छा लगने लग गया। आज बंद था फिर भी काफ़ी हद तक रश था, गाड़ियों से अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि काफ़ी लोग आए हुए थे, क्योंकि छुट्टी थी तो सब लोग इन्जॉय करने आ ही जाते हैं। फिर उसके बाद ही मैं ऊपर गई हूँ कि कहाँ से एंटर होना है, क्योंकि मैं गई थी पहली बार, मुझे इतना कोई आइडिया नहीं था कहाँ से किधर को जाना है। खैर जो मुझे समझ आई मैंने किया। फिर यहाँ पे मुझे एंट्रेंस मिली गई, अंदर जाके देखा कि क्या सीन है। अंदर गई, ये बैठने के लिए कुछ था, यहाँ पे ज़ेब्रा कॉफ़ी थी और फिर वहाँ से ऊपर के लिए चल पड़ी क्योंकि ऊपर था किड सेक्शन। लेकिन मुझे क्या, यहाँ पर बच्चों को उनके पेरेंट्स ले के आए हुए थे, मेरे पेरेंट्स थोड़ी ना यहाँ हैं जो मुझे ले के आए। खैर जैसे तैसे मैंने बस बच्चों को देखा कि यार वो तो खेल रहे हैं, मेरा भी दिल किया बट क्या ही कर सकती हूँ, मैं थोड़ी ना बच्ची हूँ। खैर वो लोग खेल रहे थे, मैंने उनको रिकॉर्ड किया और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था देख के। अच्छा यहाँ पे लिफ्ट भी लगी हुई है, मुझे नहीं पता ये कहाँ जाती है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मैं पहली बार गई थी। ये सिट्रस है आई थिंक, सो काफ़ी हद तक फेमस है। मैं फिर भी नहीं गई क्योंकि मेरा मूड पहले ही ख़राब हो चुका था क्योंकि ये बंद था। फिर मैंने दिखाया कि यहाँ पर और क्या क्या सीन है। ये लो टॉयलेट भी है यहाँ पे और यहाँ पे फिर से लिफ्ट्स लगी हुई हैं। फिर जैसे कि मूड ख़राब हो गया था टैक्सी की और दोबारा वापसी के लिए आ गए। टाइम देख लो 7 बज भी है। तो फिर आके हॉस्टल के पास उतरे, कहा क्यों ना फिर आज हॉस्टल के साथ वाली सुपरमार्केट देख ली जाए। टनल के नीचे से गुजरे और अदाल सुपरमार्केट की तरफ आ गई मैं। आपको दिखाती हूँ अदाल सुपरमार्केट, जो कि काफ़ी क्लोज है हमारे हॉस्टल के, बहुत करीब है। फिर एंटर हुई, ये है हमारी कास्पी मशीन्स जहाँ से हम लोग पैसे निकालते और डालते हैं। फिर ये अंदर हो गई, ये वाला एरिया स्टार्ट हो जाता है। लुक ये है आई थिंक ब्रेड्स वगैरह और नूडल्स है। फिर यहाँ पे शैम्पू ये वो सब कुछ ये यहाँ पे मिल जाता है, लाइक लेडीज़ के लिए भी जेंट्स के लिए भी। फिर मुझे साबुन चाहिए था वो ख़रीदा। फिर ये चॉकलेट्स वाले एरिया की तरफ आ गए, केक्स पड़े हुए हैं खूबसूरत लग रहे हैं। फिर मुझे केक चाहिए था, मैंने केक लिया और केक लेके मैंने कहा तुम लोगों को दिखा दूँ कि मेरी बर्थडे आ रही है, मुझे विश कर देना। बाय द वे फिर यहाँ पे बाकी सारे भी सेक्शन दिखाया आहिस्ता आहिस्ता कि किस तरफ केचप है, किस तरफ नूडल्स हैं और किस तरफ क्या है। देख लो यहाँ पे ये है चिकन मीट, क्या क्या कह सकते हैं, यानी कि ये सारा वो सेक्शन है। फिर ये पानी, ये भी मुझे अच्छा लगता है, मैंने ये भी ले लिया। यहाँ पे आ गए, देख लो जो जो नज़र आ रहा है ये सब कुछ वहाँ पर मौजूद है। तो मैंने रिकॉर्ड किया और मुझे अच्छा लगा रिकॉर्ड करके, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते हैं और यही मेरे लिए बहुत बहुत हद तक इनफ है कि वो मुझे अच्छे से सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, वही देखते हैं, तो मेरे लिए यही बहुत बहुत खुशी की वजह है। शायद इसीलिए मैं रोज़ एक न्यू वीडियो डाल देती हूँ, क्योंकि जब आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं ना सीरियसली आपको बहुत अच्छा लगता है। तो आई वांट टू से कि आई जस्ट लव माई पेरेंट्स। और बाकी ये देख लो, ये है काउंटर जहाँ पे हम लोगों को बिल कराना था। इस तरफ रास्ता तो उस दूसरी साइड से होके आ गई। ये वाला एरिया बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे ये है परफ्यूम्स जो कि बहुत अच्छी है, लेकिन महंगी बहुत है, इसीलिए फिर मैंने कहा इग्नोर करो इसको। और जो हमारा बिल बना था, बिल बनवाने के लिए गई, ये है सॉरी क्लिप इधर उधर हो गया, लेकिन फिर भी बिल करा लिया। ये औरत बिल बना रही है कि भाई बता दो ये इतने पैसे हैं, जितने भी पैसे हैं आप लोगों ने बिल्कुल नहीं देखना, इग्नोर करो ओके। फिर उसके बाद प्लान था कि क्यों ना कॉफ़ी पी ली जाए। फिर ये साथ ही था सुपरमार्केट के, तो वहाँ पे जाके कॉफ़ी पी और बाय बाय। यहाँ पे व्लॉग मेरा ख़त्म होता है, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय।